यदि बिना नियम के चर्चा करनी थी तो जो वहाँ की जो स्पीकर महोदया है तो उनको अपोजिशन से बातचीत करके तो इस मामले को बहुत पहले ही सॉर्ट आउट कर देना चाहिए था। तो ये जो इतना समय खराब हुआ लोकसभा का, तो मैं समझती हूँ वो खराब नहीं होता, और जो जनहित के जो बहुत से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं तो उन पर भी फिर चर्चा हो सकती थी। और राज्यसभा में तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया ना, काम रोको प्रस्ताव के तहत चर्चा वहाँ पर तो शुरू है। अभी तो यही हो रहा है कि भाई ये जो बाकी लोग बोलने वाले रह गए हैं तो प्रधानमंत्री जी को वहाँ पे मौजूद रहना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए, उसका जवाब देना चाहिए। और दूसरा, पूरे अपोजिशन की मांग है, क्योंकि ये जो नोटबंदी का मामला है तो इसमें काफ़ी लोगों में ये चर्चा है कि इसमें काफ़ी कुछ गड़बड़ हुआ है, तो जेपीसी की भी जेपीसी से भी जांच होनी चाहिए, तो ये भी विपक्ष की मांग है। रक्षा मंत्री ने एक पत्र लिखा है ममता बनर्जी को कि आर्मी राजनीति नहीं। आज क्या लिखा है? सेना का राजनीति नहीं, बहुत दुख हुआ। रक्षा मंत्री जी ने आर्मी को तो मैं समझती हूँ जो डिफेंस मिनिस्टर हैं तो उनकी भी ये जिम्मेवारी बनती थी कि जो हमारे संविधान में संघीय ढांचा है तो उसको ध्यान में रखकर तो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट से बातचीत करके तब आर्मी को उधर इस्तेमाल करना चाहिए था। या तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर कहा है कि राज्यसभा में काम रोको प्रस्ताव के तहत चर्चा हो रही है, लेकिन पीएम मौजूद रहे तो ज्यादा अच्छा है, वो चर्चा में भाग भी ले।